नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की बहस। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। डब्ल्यूएफआई के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे ब्रजभूषण पर कड़ी कार्रवाई और ब्रजभूषण की गिरफ्तारी ना होने तक लड़ाई जारी रखने की बातें कहने वाले पहलवान बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट अब अपनी नौकरी पर लौट आए हैं। ब्रजभूषण के खिलाफ प्रदर्शनकारी पहलवानों ने इनकी जो मांगे थी, और इस पूरे प्रदर्शन में शामिल तीन प्रमुख चेहरे बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक ने वापस अपनी नौकरी ज्वाइन कर ली। तीनों रेलवे की नौकरी करते हैं। तीनों के वापस नौकरी ज्वाइन करने की खबरों के साथ ही पहलवानों के प्रदर्शन के भविष्य पर सवाल उठने लगे थे। अटकलें लगाई जाने लगी थी कि क्या अब पहलवानों का प्रदर्शन खत्म हो गया है, लेकिन प्रदर्शनकारी पहलवानों ने साफ कर दिया है कि ब्रजभूषण के खिलाफ लड़ाई में इंसाफ ना मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। पहलवानों ने साफ कर दिया कि वो नौकरी की अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन आंदोलन से पीछे नहीं हटे हैं। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। पहलवानों का जो आंदोलन है, इस पर इतना कंफ्यूजन क्यों है? क्यों दोनों को ट्वीट करके सफाई देनी पड़ी कि नहीं नहीं, हमने आंदोलन खत्म नहीं किया है, वापस नहीं लिया है, हम नौकरी भी करेंगे और सत्याग्रह करेंगे। अब नौकरी के साथ साथ ये कितना संभव है, ये प्रश्न है। अलग अलग गुट आपने देखा, एक चढ़ूनी गुट आ जाता है, टिकैत ब्रदर्स आ जाते हैं, मेडल्स आपने देखा किस तरह से गंगा में प्रवाहित करने की बातें आई थी, तो फिर नरेश टिकैत पहुंच जाते हैं। ये हो क्या रहा है? एक तरफ जयंत चौधरी है, सत्यपाल मलिक है, के चंद्रशेखर रावण, चंद्रशेखर रावण का भी हम जिक्र करेंगे। तो सोचिए ये हो क्या रहा है। ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें दोनों ही पहलवान अपनी बात रखते हैं कि नहीं नहीं, ये अफवाह फैलाई जा रही है, आंदोलन खत्म नहीं हुआ है। किसान नेता राकेश टिकैत ने भी बड़ा बयान दिया। टिकैत ने कहा 9 जून तक का जो अल्टीमेटम महापंचायत ने दिया था उसे वापस ले लिया गया है। टिकैत ने साफ किया है कि अल्टीमेटम वापस लिया है, आंदोलन वापस नहीं लिया है। टिकैत ने कहा अल्टीमेटम पहलवानों और केंद्र सरकार के बीच बातचीत को लेकर था, सरकार ने पहलवानों से बातचीत शुरू कर दी है, इसलिए अल्टीमेटम को वापस ले लिया गया है। तो ये मान के चले कि अल्टीमेटम जो दिया गया था, एक आप ये समझिए कि एक डेडलाइन दी गई थी, एक समय दिया गया था, वो भी वापस ले लिया गया है। तो फिर इस आंदोलन में अब बच क्या रहा है? क्या वाकई पहलवानों के नाम पर सियासत हुई? आपने देखा होगा अलग अलग दल सामने आए, लेकिन राकेश टिकैत के इस बयान के बाद आप क्या समझते हैं? फिर गंगा में प्रवाहित करने के लिए आप मेडल जाते हैं और अलग अलग जगहों से समर्थन मिलता है, तो जो लोग खिलाफत में थे या जो साथ में थे, अब ये खड़ा कहां पर है पूरा आंदोलन? देखो, नौकरी पे जाना और समस्या उठाना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे नौकरी पे ही तो गए, नौकरी पे जाके क्या भ्रष्टाचार का, इस तरह के केस का क्या उसमें आवाज उठाना देश में बैन है? रिश्वत लेनी तो बैन होगी नौकरी में जाके, किसी का साथ देना वो कोई अपराध नहीं है। नौकरी में गए, उनको चला जाना दो, और ये तो देश को आवाज उठानी चाहिए। और उन्हें 4 महीने 2 महीने आंदोलन चला दिया, नौकरी दांव पर लगा के चला दिया। अब भी उन्होंने कहा कि हमने आंदोलन वापसी नहीं लिया, उसकी वे बात उठाते रहेंगे, ये देश उनके साथ में है। 9 जून की जो आपकी अब आगे की रणनीति थी, अल्टीमेटम 9 जून का ये है कि हमने ये कहा था कि सरकार उनसे बातचीत करे, सरकार की उनसे बात हुई है, तो 9 जून का वापसी ले लिया। और उन्होंने ये कहा कि जब हम कॉल देंगे, बड़े आंदोलन की शुरुआत करेंगे, तो उस टाइम पे सब लोग इकट्ठा होकर आए, तो 9 जून का वापसी लिया है। 5 जून का अयोध्या का सरकार ने वापसी लिवाया, 9 का इनसे वापसी ले लिया, देश उनके साथ में है। तो आंदोलन आप कह रहे हैं बातचीत हो गई है, बातचीत चल रही है, एक बार में कोई वो नहीं होता, तो बातचीत उनकी शुरू हुई है। तो सरकार ये है कि बातचीत करें और जनता अपनी बात रखेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगा, एक बातचीत शुरू हो गई है, टेबल टॉक शुरू हुई है।